इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस यूक्रेन जंग के कारण ईंधों के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आपको बता दूं, पेट्रोल डीजल से सीएनजी गैस महंगा हो चुका है। नागपुर में सीएनजी की कीमत 120 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र की उपराजधानी है नागपुर, तो पेट्रोल डीजल से ज्यादा सीएनजी गैस महंगा बिक रहा है नागपुर में। देश में सबसे ज्यादा सीएनजी गैस के दाम नागपुर में है इस वक्त। नागपुर में सीएनजी पर सरकारी सब्सिडी ना मिलने का असर, क्योंकि वहां पाइपलाइन नहीं है। बड़ी संख्या में ऑटो टैक्सी चलते हैं सीएनजी गैस से। अगर सीएनजी गैस के दाम बढ़ते रहे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी ऑटो और टैक्सी के किराए भी आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है, रूस यूक्रेन जंग के कारण ईंधन के दामों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पेट्रोल डीजल से ज्यादा सीएनजी गैस महंगा हो चुका है। महाराष्ट्र की उपराजधानी कही जाने वाली नागपुर में इस समय सीएनजी गैस 120 रुपए किलो प्रति किलो बिक रहा है। देश में सबसे ज्यादा महंगा अगर कहीं सीएनजी गैस बिक रहा है तो वो नागपुर शहर है। देश में सबसे ज्यादा अगर पेट्रोल कहीं महंगा बिकता है तो राजस्थान के गंगानगर जिले में, और इसी तरह अब सीएनजी गैस सबसे ज्यादा महंगा कहीं बिक रहा है तो नागपुर शहर में बिक रहा है। नागपुर में सीएनजी पर सरकारी सब्सिडी ना मिलने का असर, क्योंकि वहां पाइपलाइन नहीं है। बड़ी संख्या में ऑटो टैक्सी चलते हैं सीएनजी गैसों पर। अगर सीएनजी गैस के दाम बढ़ते रहे तो आने वाले दिनों में जरूर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इसका असर पड़ेगा और किराया बढ़ने की संभावना है। वहीं कच्चे तेल के दाम लगातार अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ रहे हैं। $139 प्रति बैरल पर पहुंच चुके हैं कच्चे तेल के दाम। तो 10 मार्च के बाद जैसे चुनावों के नतीजों की घोषणा होगी, देख लीजिए आप, जरूर पेट्रोल के दामों में, डीजल के दामों में बढ़ोतरी होगी और इसके कारण महंगाई बढ़ेगी। तो रूस यूक्रेन जंग के साइड इफेक्ट्स सिर्फ रूस और यूक्रेन पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे पड़ रहे हैं। शेयर बाजार नीचे है इस समय, धड़ाम से लाखों करोड़ रुपए का रोजाना नुकसान हो रहा है शेयर मार्केट के निवेशकों को। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि पेट्रोल डीजल से ज्यादा सीएनजी गैस महंगा बिक रहा है नागपुर शहर में।